जय माता दी। साथियों, आज एक और बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल पौधे की बात करते हैं, जो इत्र की रानी, परफ्यूम ट्री, कैनंगा ओडोराटा, इलोंग इलोंग जैसे सुंदर नामों से प्रसिद्ध है। भारत में इसे अपूर्व चंपक भी कहते हैं। वैसे अनेक भाषाओं में भारत की इसके अलग अलग नाम हैं। इलोंग इलोंग इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और फिलीपींस के, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है और यह उष्ण कटिबंधीय पेड़ है, यानी हाई ह्यूमिडिटी और धूप पसंद करता है। यह भारत में भी उगाया जाता है। अब इसकी बॉन्साई किस्में भी हैं और वो सघन झाड़ी सा लगता है पौधा गमले में, लेकिन बॉन्साई इलोंग पौधे में फूलों में खुशबू कुछ नेचुरल उगे हुए पौधों की तुलना में कम होती है। इलोंग पेड़ के फूल खुशबूदार होते हैं। इसका तेल स्टीम डिस्टिलेशन से निकाला जाता है। 200 पाउंड फूलों से 1-2 लीटर तेल ही निकल पाता है, जिसकी तीव्र खुशबू होती है। इसका तेल इत्र, एरोमाथेरेपी, सेंटेड कैंडल्स, साबुन, कॉस्मेटिक और परफ्यूम प्रोडक्शंस में इस्तेमाल होता है और पुरानी चिकित्सा प्रणाली में इस पौधे का, फूलों का बहुत इस्तेमाल किया जाता था। आजकल इसका इस्तेमाल बेवरेजेस, कैंडी और बेकरी फूड्स में भी किया जा रहा है। इस पौधे पर अनुसंधान चल रहा है, इसकी गुणवत्ता इतनी अधिक है। यह पेड़ तेजी से बढ़ता है। इसकी ऊंचाई 15 मीटर तक हो सकती है। इस पौधे के प्रति रुचि बढ़ी मेरी इसे जब मैंने राजामंदरी की एक नर्सरी में देखा। राजामंदरी फ्लोरिकल्चर के लिए प्रसिद्ध है। इसकी पत्तियां चिकनी, चमकदार, पंखदार, फूल झुका हुआ, लंबे डंठल वाला, 6 संकरी हरी पीली पंखुड़ियों वाला होता है। हरी पीली ग्रीनिश येलो इसका कलर होता है शुरू में, बाद में लेमन येलो हो जाता है। फूल बहुत खुशबू वाला होता है और यह सारे साल फूल देता है। इसे बीज और कटिंग दोनों तरह से लगा सकते हैं और 3-4 साल में पेड़ फूल देने लगता है। आमतौर पे इसमें पेस्ट कम लगते हैं, लेकिन कुछ पेस्ट, मिलीबग्स या एफिड अटैक हो तो नीम ऑयल स्प्रे किया जाता है। इसके फूलों की खुशबू रात में ज्यादा होती है। इसे डव की कुछ प्रजातियां और हॉर्नबिल इसके फलों को पसंद करते हैं। एरोमाथेरेपी में माना जाता है कि यह उच्च रक्तचाप कम करता है। इसकी स्मेल स्ट्रेस रिलीविंग होती है। यह स्किन प्रॉब्लम्स के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे हेयर ग्रोथ बढ़ती है। मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज भी हैं इसमें। प्राचीन चिकित्सा में इससे मलेरिया, दमा, रूमेटिज्म, पेट की बीमारियों का इलाज किया जाता था। कैनंगा ओडोराटा का तेल एंटी
माइक्रोबियल, एंटी डायबिटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज वाला बताया जाता है। चीन में यह तेल कपड़ों पर स्टोर करने से पहले छिड़कते हैं, इसे इंसेक्टिसाइडल भी माना जाता है। फिलीपींस में बुरी आत्माएं भगाने के लिए भी यह फूल इस्तेमाल किया जाता है। वहां स्त्रियां इसकी माला बनाकर पहनती हैं और धार्मिक छवियों को इसकी मालाओं से सजाया जाता है। साथियों, ऐसी ही सुंदर फूलों की प्रकृति की जानकारी बढ़ाने के लिए और सुंदर फूलों को देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।